छोटे से कप में बड़ी सी दुनिया। अरे खाओ बेटा, शर्माओ मत। आपका शुक्रिया आंटी। तुम लोग यहाँ आराम से बैठो, मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो खाना शुरू करें। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हाँ कोई बात है तो तुम हमें बता सकते हो। छोड़ो जियान, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हें क्या हो गया सुनियो? इन छुट्टियों में फिर से मेरी फैमिली हवाई जा रही है, मैं वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। अरे तो ये बात है क्या? सुनियो, मैं तो मॉम डैड डोरेमोन के साथ कभी छुट्टियों के लिए बाहर नहीं गया, तुम तो जाते रहते हो ना। क्या कहा नोबिता तुमने? मैं तो बस बता रहा हूँ। जरा इसे देखो जियान, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आएंगे। अरे सुनियो बेटा, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। अरे सही कहा, वहाँ तो बहुत सारे लोग है। हाँ नोबिता कह तो ठीक रहा है। अरे सुनियो, इतने सारे लोगों के बीच रहकर तुम्हें मजा तो बहुत आया होगा, है ना? हाँ वो तो है। हाँ। मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ पर और कोई भी ना हो। तुमने सही कहा, भीड़ वाली जगह पर घूमने में कोई मजा नहीं आता। मुझे तो खैर ऐसी ही जगह पर मजा आता है जहाँ पर मेरा गाना सुनने के लिए लोग लाइन बनाकर खड़े हुए हो। क्या तुम कभी गए हो ऐसी जगह? हाँ? क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाय, मैं भी यहाँ आ गया। मेरी बात सुनो तुम सब, मुझे वो मिल गया। तुम्हें ऐसा क्या मिल गया डोरेमोन? एक नया गैजेट जो 22वीं सदी के बाजार में नया आया है। वो बहुत मशहूर है और उसे इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। उस गैजेट से होता क्या है, उसकी मदद से मैं अपनी खुद की एक दुनिया बना सकता हूँ और वो पूरी दुनिया सिर्फ मेरी होगी। ये मेरे लिए है क्या? बहुत टेस्टी है। वो दुनिया सिर्फ तुम्हारी होगी, उसमें कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। क्या तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास सचमुच ऐसा एक गैजेट है? तो हमें भी वो गैजेट दिखाओ ना डोरेमोन, जल्दी। दिखाता हूँ। ये क्या चीज है? हम इन कप्स के बीच में जैसी दुनिया चाहे वैसी दुनिया बना सकते हैं। जैसे देखो, ये वाला है एडवेंचर कप। इसकी मदद से हम समुद्र के एडवेंचर्स का मजा ले सकते हैं। और कोई खतरा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित और मजेदार एडवेंचर होगा, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। 3 मिनट में? ये तो बहुत कम समय है ना। वो तो है। तो क्या तुम तैयार हो, एक बार ट्राई करके देखते हैं? देखो, इस पाउडर से वही दुनिया बनेगी जो हम बनाना चाहते हैं। मैं इसे कप में डाल रहा हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लूइड डालूंगा। काम हो गया, मैं पहले जाता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आ जाना। डोरेमोन कहाँ? हम भी चलें क्या? हाँ। कहाँ आ गए? अरे ये तो बहुत ही अजीब जगह है। तूफान है, अगर हमने किसी चीज को नहीं पकड़ा तो हम उड़ भी सकते हैं नोबिता। ध्यान से। अरे अभी मैं डोरेमोन नहीं हूँ, मैं हूँ जहाज का कैप्टन और मेरा नाम है कैप्टन रॉबर्ट। क्या कहा तुमने कैप्टन? तुमने तो कमाल कर दिया डोरेमोन। शुक्रिया शिजुका, ध्यान से सुनो, यहाँ तुम्हें सिर्फ तूफान का सामना नहीं करना है। क्या मतलब? इस समुद्री यात्रा पर तुम्हें बहुत सी मुश्किलें मिलेंगी, समझ गए? ये क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसा है तो फिर तो हमें और भी मजा आने वाला है। सही कहा इन दोनों ने, लगता है हमें आज बहुत मजा आने वाला है। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ये नोबिता तुम्हें भी उससे लड़ना होगा।
ठीक है। कहाँ चली गई? हाँ! ये मैं कहाँ उल्टा लटका हूँ है? प्यारी मॉम, सॉरी इस बार मैं लेटर नहीं लिख पाया, कैंप लेक बॉटम में मैं बहुत बिजी था। अरे हम तो वापस आ गए। बहुत मजेदार था। सच में मजेदार था। हे डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास और भी ऐसे कप हैं? हाँ हाँ बहुत सारे हैं, तुम लोग कोई भी ले सकते हो। हाँ। ये कौन सा कप है? मैं ये वाला लूंगी। हाँ? सच बताऊँ तो मैं अपनी परियों वाली सपनों की दुनिया में जीना चाहती हूँ। हाँ? अरे मैं कौन सा लूँ? इसमें से मैं लूँगा ये। हाँ? 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 ये कप मेरा है और इसे मैं लूंगा। मेरे से पहले छुआ था जियान, तो ये मेरा हुआ। ये वाला तो मैं ही लूंगा, समझ गए? लगता है तुमने सुना नहीं, ये मेरा है। ये मेरा है। हाँ मजेदार लगता है, खूब मजे करना शिजुका। हाँ लूंगा, ये मेरा है, ये मेरा। अच्छा दोस्तों मैं जा रही हूँ, फिर मिलूंगी। ये मैं कहाँ आ गई? हाँ ये जरूर सिंड्रेला की दुनिया लगती है, कितनी खूबसूरत है। अरे जरा मेरी बात सुनिए। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप परियों की रानी हैं? हाँ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अब मैं अपने जादू से तुम्हें राजकुमारी बना सकती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जादुई छड़ी दिखा अपना कमाल और इस बच्ची को बना दे एक राजकुमारी। आज आपने मेरा सपना सच कर दिया। ओह लगता है मुझसे थोड़ी गलती हो गई होगी, माफ करना। इस लड़की को बना दो एक राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी। मैं तो बताने ही भूल गई, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जादुई छड़ी दिखा अपना कमाल, इस लड़की को बना दो राजकुमारी। चलाइए ना। शांत हो जाओ, एक कप में दो लोग आसानी से जा सकते हैं। हम ही वहाँ जाएंगे, समझे? तुम्हें यही रुकना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सुनो नोबिता, तुम बाकी कप्स में से एक कप चुन लो। तो फिर इतनी गर्मी में मैं बर्फीली ठंड का मजा ले सकता हूँ। ये तो हॉरर कप है, मैं इसे नहीं लूंगा। और ये वाला है, ये वाला है मजेदार और मस्ती से भरा, आइए और खूब मजे कीजिए, द एसएफ कप। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ग्रह वैसा ही बन जाए जैसा कि मैं हमेशा से चाहता था। सुनियो यकीन मानो, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर हमें वहाँ पर जाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना दोस्तों? कप के अंदर जाकर तुम सच में एक यूनिवर्स में पहुँच जाओगे। ऑक्सीजनेटिंग लाइट, ये वहाँ तुम्हारे काम आएगा, अब जाओ। ठीक है, ये मैं चला। अरे वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी हमने सोची थी। सही कहा, चलो नीचे चलते हैं। जियान कहाँ जा रहे हो? अरे ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे फाइटर प्लेन्स हैं यहाँ तो। हाँ अरे वाह मजेदार।
मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ। टेक ऑफ। पता नहीं मॉन्स्टर से उसका क्या मतलब है। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, मैं इससे कैसे मुकाबला करूँगा? पर मुझे तो कुछ करना ही होगा। अरे ये सब क्या हो रहा है सुनियो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? अच्छा अच्छा जियान, मैं अब समझा हूँ। हमारे ग्रह पृथ्वी के मुकाबले इस ग्रह की ग्रेविटी बहुत कम है, इसी वजह से हमारे चलने में और कूदने में बहुत आसानी हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना खेला और कूदा ही जाए, बताओ मुझे। हाँ ठीक है। बहुत अच्छे जियान, तुमसे ऊपर कोई नहीं जा सकता है। हे जियान, इधर देखो, मैं तुमसे भी ऊपर खड़ा हूँ। क्या कहा तुमने सुनियो? रुको जरा। अरे सुनियो, ये तो बहुत ही मजेदार है ना मेरे दोस्त? अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? बाल बाल बच गया। चश्मा मिल गया मुझे। ये तो बहुत डरावना है, क्या मुझे कुछ मिल सकता है यहाँ पर? हाँ मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। आ गया। मैं हूँ सबका हीरो, सब मेरी तरह बनना चाहते हैं। मेरा नाम है नोबी नोबी मैन, सबकी मदद करने वाला नोबी नोबी मैन। अरे राजकुमारी रुक जाइए ना प्लीज। माफ करना, समय पूरा हो चुका है, मुझे जाना होगा। रुकिए। अरे सैंडल। अरे सुनियो तुम कहाँ रह गए? रुको जियान। सुनियो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता अगर हम ऐसी दुनिया में रहे तो हमें बहुत मजा आएगा? और सबसे अच्छी बात तो ये है जियान कि हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से सांस ले पा रहे हैं। सुनियो चलो वहाँ चले। रुको जियान रुको। अरे रुक तो जाओ। अरे मैं तो सो ही गया था। अब तक वो लोग वापस आने वाले होंगे। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वाह, ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से। कितने सुंदर फूल हैं, आपका शुक्रिया। हाँ? तुम्हारा स्वागत है शिजुका। हाँ, मैं वहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहती थी डोरेमोन। तुम्हें वहाँ मजा आया? हाँ। मुकाबले के लिए तैयार। सच्चाई की बुराई पर हमेशा जीत होती रही है।
अरे नोबिता तुम, हाँ ये तो बहुत मजेदार था। हाँ सुजुका, क्या तुम्हें मजा आया? हाँ मुझे भी बहुत मजा आया नोबिता। अब पता चला कि 22वीं सदी में ये इतना मशहूर क्यों है। अरे चियान और सुनियो कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गया था, लेकिन उनके 3 मिनट तो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है वो लोग ठीक होंगे। अरे इस कप के पीछे कुछ लिखा है। हाँ इस स्पेस कप में अगर आप ग्रह से बहुत दूर चले जाते हैं तो 3 मिनट पूरे होने के बाद भी आप वापस नहीं आ पाएंगे। क्या कहा? अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो गई। शायद जियान और सुनियो ग्रह से बहुत ऊपर चले गए होंगे। हाँ, तो हमें अब क्या करना चाहिए? अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं ढूंढा तो वो वहाँ हमेशा के लिए खो जाएंगे। अरे नहीं, और वहाँ तो हवा भी नहीं है ना। मैंने ऑक्सीजनेटिंग लाइट का इस्तेमाल किया था, जब तक उसका असर रहेगा तब तक सब ठीक होगा। लेकिन अगर असर खत्म हो गया तो? तो फिर वो 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं ले पाएंगे। मैं क्या करूँ, कुछ करना होगा। वहाँ जाने का कोई और रास्ता नहीं है? नहीं नोबिता, मैं किसी भी तरह उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं क्या, क्या उनकी मदद नहीं कर सकते? मैंने अभी तो कहा हम उनकी मदद नहीं कर सकते। यहाँ पर कितना अंधेरा है, ये जगह कितनी सुनसान है ना जियान? अरे सुनियो एक बात तो बताओ, हम लोग आखिर यहाँ से वापस कैसे जाने वाले हैं? इस बात का भला मुझे क्या पता होगा जियान? क्या कहा तुमने? तुम्हें ये भी नहीं पता है? मारने वाली क्या बात है? कहीं हम यहाँ से वापस ही नहीं जा पाए तो? देखो ऐसा तो मत बोलो। सोचो सुनियो, अगर हमें यहाँ से वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला तो हमें हमेशा यहीं पर रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं अपनी पृथ्वी पर ही किसी जगह पर होता जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। अब तुम्हारा शौक पूरा हो गया ना? जी यार प्लीज कुछ करो, मुझे अपने ग्रह पर वापस लौटना है। अरे मुझे अचानक घुटन सी महसूस हो रही है, तुम्हें हो रही है क्या? बताओ। हाँ मुझे भी थोड़ी बहुत। तो मुझे लगता है कि डोरेमोन की उस लाइट वाले गैजेट का असर खत्म हो रहा है जियान। अब हम क्या करेंगे स्टूडियो? वो तो मुझे नहीं पता। अरे हमें कोई बचा लो प्लीज, हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें कोई तो बचा लो। तो गैजेट निकालो डोरेमोन प्लीज, और जल्दी से कुछ करो। हाँ ठीक है। कोई गैजेट काम का नहीं है। अरे बेटा सोनियो देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट जूस लाई हूँ। क्या बात है, टॉयलेट गया है, जियान भी टॉयलेट गया है, वो दोनों साथ में टॉयलेट गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे डोरेमोन तुम तो कप नूडल्स लाए हो, मेरे पास भी बहुत पड़े हैं, चाहो तो ले सकते हो, अभी लाई। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि नूडल्स बनने में कितना टाइम लगता है। ये लो। ये मुझे दो। डोरेमोन मुझे पूरा यकीन है वो दोनों बहुत परेशान हो रहे होंगे, हमें कुछ करना होगा। ये वाला कौन सा कप है? अरे सुनो डोरेमोन, अगर हम इस कप को हॉरर कप के साथ जोड़ दें तो? हाँ बहुत बढ़िया, इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो। अब मैं क्या करूं? उम्मीद है ये काम करेगा। अरे ये क्या है? हमने कर दिखाया। अब तो सब ठीक हो जाएगा ना डोरेमोन? हम ये कहाँ आ गए सुनियो, क्या तुम ठीक हो? यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। ये जगह कितनी डरावनी है। अरे ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, भागो। भागो।
अरे सुनियो क्या हुआ तुम्हें? अरे ये क्या है? जियान अब हम लोग क्या करेंगे? अरे आप लोग कौन हैं? देखो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अरे नहीं ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं जियान। हमें यहाँ से भागना ही होगा सुनियो। प्लीज हमसे दूर हटिए ना प्लीज। तुम्हें भी वहाँ से आवाजें सुनाई दे रही हैं? ये तो सुनी और जियान की आवाज लग रही है। ये आवाजें तो बहुत डरावनी है। लेकिन अब वो 3 मिनट से पहले वापस नहीं आ सकते। उन दोनों के लिए वो 3 मिनट बहुत ही डरावने होने वाले हैं, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन कर